हेलो दोस्तों, आज मैं आपको खौफ की तो सच्ची घटनाएं बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। मेरा नाम विक्की बंसल है और ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था। मेरा घर पंजाब के एक छोटे से गांव में था। मैं और मेरे दोस्त रात को खाना खाकर गांव की गलियों में खेलते थे। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले देता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही कहते थे। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम चार दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक, नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से ओक के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते थे जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुँच कर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन के पापा आपस में बात कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कहीं नहीं गया। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भूल पाया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले दो खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने थोड़ा रात को पहरा देने वाले बच्चे की आवाज़ सुनी होगी लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामशेर काका का है जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया।
वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आईं कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़कर मत देखना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था, तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। डर के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुँचा और घर पहुँचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा ज़ोर से भागा और कभी उस भूतिया खेत से रात को नहीं गुजरा। तो दोस्तों, ये थी खौफ की दो सच्ची घटनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।